महाराष्ट्र सरकार ने होम आइसोलेशन पर लगाई रोक, मरीजों को जाना होगा कोविड सेंटर। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, अब नए मरीज को कोविड सेंटर जाना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने होम आइसोलेशन पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब नए मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा। यह निर्णय महाराष्ट्र के 18 जिलों में लागू होगा। इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य के 18 जिलों में होम आइसोलेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। यह 18 जिले वो है जहां पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है। ऐसे में इन जिलों के मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा। इन्हें होम आइसोलेशन के रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। राजेश टोपे ने कहा, राज्य में पॉजिटिविटी रेट 12% है, जिसके बाद रिकवरी रेट 93%। इसके साथ उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, फिलहाल राज्य में 2245 ब्लैक फंगस के मामले हैं। ब्लैक फंगस से पीड़ित सभी मरीजों का इलाज महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत फ्री में किया जा रहा है। इस बैठक की शुरुआत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में हुई। वीसी के माध्यम से मंत्री राजेश टोपे राजेंद्र सिंह ने 18 जिला के जिला अधिकारी, संभागायुक्त, पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। राज्य में अब तक 3,32,77,290 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। इनमें से 26,02,019 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 51,82,592 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में 27,29,301 लोग होम क्वारंटीन हैं और 24,932 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हैं। प्रदेश के इन 18 जिलों में होम आइसोलेशन बंद करने का निर्णय लिया गया है। इन 18 जिलों में बुलढाणा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सांगली, यवतमाल, अमरावती, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अकोला, सातारा, वाशिम, बीड, गढ़चिरौली, अहमदनगर, उस्मानाबाद, रायगढ़, पुणे आदि, नागपुर शामिल है। बिना लक्षण वाले कोविड पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में नहीं रह सकेंगे। इन मरीजों को कोविड सेंटर में रखा जाएगा। इस संदर्भ में जल्द ही इन सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।